कितने कल 15 तारीख में पंचायती इलेक्शन का डे हैगा, तो उधर रिगार्डिंग मुक्तसर पुलिस ने 1800 बंदा लाया है जो कि इलेक्शंस कराएगा। तो असी जो हैगे साड़ी पोलिंग पार्टीज हैगी, पोलिंग पार्टीज के अलावा असी पेट्रोलिंग पार्टीज बनाईयां, क्लस्टर ऑफ पिंड इकट्ठे करके उन्होंने उत्ते असी सुपरवाइजरी पार्टी बनाई। तो SHOs के सारे GOs सारे के सारे फील्ड में होंगे टू इंश्योर कि इलेक्शन जो है बड़े पीसफुल तरीके में और एक फेयर तरीके में। अगर किसी जिन्हें भी समस्या आती है इलेक्शन वेले कई लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, कई और इश्यूज आते हैं, तुम इमीडिएटली अपने जो तो एरिया के SHO साहब है उन्होंने कॉन्टैक्ट करो। सारी साड़ी पार्टी जो सारी की सारी पार्टियां है सारी फील्ड होनी है, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड तो एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया जी, इधर SSP दफ्तर के ही बने, वो जो है सारी जो साड़ी पार्टीज है उन्होंने लोकेशन जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वो जितने ज़्यादा पेट्रोलिंग का प्रावधान से सेंट्रली जो कंट्रोल रूम मॉनिटर करेगा सारा भी जितने बनाया गया है टू इंश्योर कि एक सेंट्रलाइज तरीके से सारा कुछ प्रॉपरली कर रहा पुलिस पुलिस जो है जी, पुलिस एसेंशली एक पोलिंग पार्टीज हैगी, एक है पेट्रोलिंग पार्टी, एक पेट्रोलिंग पार्टी जो एक सुपरवाइजरी पार्टी, फिर SHOs से SHOs की टीम, फिर जो DSPs है सब डिविजन DSPs उन्होंने टीम, जो साढ़े हेडक्वार्टर के DSPs है उन्होंने भी एरियाज वंडे गए हैं, उन्होंने भी अपनी टीम, उन्होंने उत्ते सारे जो 3 SPs है साढ़े उन्होंने टीम, फिर उत्ते मेरी। पुलिस पूरी मुस्तैदी नाल डटी हुई है, तो साड़े फ्लैग मार्चेस भी चल रहे हैं, सारे एरिया विजिट भी चल रही हैं साड़ियाँ, तो थोड़े बहुत जो इशूज नहीं क्रिएट होंगे हैं उस पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होके जिना जो बदमाशी करता है उन्हें भी अकॉर्डिंगली सजा मिलेगी। साडे वालों जी जो साड़ी पेट्रोलिंग पार्टी हैगी ये आज रात भर बाहर है, किसी में कोई इंसिडेंट नज़र आता है सारे पिंड वाले ने पता ही होना है, देखकर किसी में इंसिडेंट नज़र आता है कि शराब बिक रही है या पैसा बच रहा है या कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली SHO को फोन करो जी अपने अपने एरिया से, वो तो एक्शन इमीडिएटली उसको भी लिखा जाए। मेडिकल टीम है कि ऐसी DC साहब जो है कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम फायदा साधा देखकर कहीं लोड बनती है तो उन्हें अकॉर्डिंगली मूव किया जाए। जो साडा जिला मुक्तसर हैगा असी ये सारे ऑफिसर्स ने बैठ कर एक ग्रेडिंग कीती सी, जिस ग्रेडिंग सिस्टम बनाया सी डिपेंडेंट जो कि बेस सेगा कि उसे पुराने लड़ाई झगड़े हुए हैं या हम दा माहौल की है, एक सेंसिटिविटी इंडेक्स बनाया गया, वो हिसाब से जो साडे हाइपर सेंसिटिव थे वो 26 पिंड निकले, वो 26 पिंड जो है वो असी स्पेसिफिकली पेट्रोलिंग पार्टियां रखी जिन्हों के हॉल्ट पॉइंट इतने बनाए गए हैं ताकि वो वाले जो पिंड है गए उसे लड़ाई झगड़ा या माहौल खराब होने से बचाया जाए। तो मेरे वालों जी सारे मुक्तसर वासियों ने यही स्नेहा है असी इंश्योर असी पीसफुली कराइए जो इलेक्शन अपनी शिकायत है जी, तो किसी में कोई शिकायत आती है कोई इशू आता है वी आर ऑलवेज हेयर जी, असं सारे के सारे फील्ड में है, तो असं यही इंश्योर करने लिए इतने हैं कि जो इलेक्शन है जिन्होंने असं सेलीब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ये उसी हिसाब नाल होवे चंगे तरीके नाल होवे और चंगे रिजल्ट। थैंक यू सर। कल पंचायती इलेक्शन प्रशासन वालों जो सारे प्रबंध देखो मैं अज इस टाइम मुक्तसर बैठा तो गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर साहब के तो असी हम अज पोलिंग पार्टीज है इतों तोड़निया है अज शाम तक वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएगियाँ, ये लंबी गिदड़गांव के मलोट के भी इदा ही SDM साहबान जोड़े है साढ़े PCS ऑफिसर है वो प्रबंध का जायजा लै रहे हैं, प्रबंध का इंतजाम सारा उन्होंने पुख्ता किया हो, पार्टियां टोटल ट्रेनिंग दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कानून व्यवस्था को मेनटेन करने वास्ते, पुलिस मुस्तैद है, SSP साहब भी इतने आए हुए हैं और सारी ब्रीफिंग सवेरे पुलिस को भी हो गई है, असी पार्टियां ब्रीफ करता ट्रेन करता कानून के मुताबिक काम करने वास्ते भी इंस्ट्रक्शन देतियां ने, मैं होप करना कि साडे जिहड़े निवासी हैगे ने साडे जिहड़े वोटर हैगे ने वो शांतिपूर्वक अपनी वोट पा के ते ये काम नूं मुकम्मल तौर दे उत्ते नेपरे चढ़नगे। किन्ने हो रहे ने जी किन्ने इलेक्शन
बाइक जिहड़े हैगे ने बूथां दे उत्ते इह प्राप्त कीते गए ने पिंडां दे विच स्टेट इलैक्शन कमिश्न वल्लों ते इक दो मैं भी रद्द कीते ने अज असीं ऑर्डर इशू कीते ने ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 235 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 3,500 ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 3,500-4,000 ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵਾਟਰ ਫੰਡਸ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਨੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਐਸ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ